तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ आके वीडियो बना रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी बाथरूम में, मतलब जो आगे वाले छत पे थे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं ये देखो। तो अब करते हैं मेन बात। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी मेरा टर्म चल रहा है मीरा महोत्सव, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फंक्शन होता है। तो आज है 4th या 5th डे, तो मतलब ये क्या 2 दिन ही बाकी थे अब उसमें, तो मैंने सोचा आप ब्लॉग बना ही लेते हैं। मंदिर में है जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, और मेरा इस मार्ग में मतलब मंदिर के जस्ट पास में ही रास लीला चल रही है, तो वहाँ पे भी जाएंगे ब्लॉग बनेंगे। लेकिन यार एक दिक्कत है, इस बार है जो मेला कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा, मतलब झूले वगैरह कुछ भी नहीं लगे, ज़्यादा बड़े बड़े झूले वगैरह नहीं लगे जैसे हर बार होता था, पहले होता था हर बार, वैसा कुछ भी नहीं है। तो निकलते हैं अभी थोड़ी देर बाद में, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है भाई मंदिर में, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है अभी मंदिर में, लेकिन डेकोरेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये जो मीरा मंदिर के बाहर अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि रंग बिरंगी लाइटों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन किया है, जिसके मैंने काफ़ी ज़्यादा प्यारे शॉट्स लिए, वो तो आप लोगों ने देख लिए। इस साइड में चल रहा है भजन कीर्तन, और इसी साइड में सभी जने श्री कृष्ण जी के और मीराबाई जी के दर्शन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल था, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार। सभी वाइब को एंजॉय कर रहे थे, मैंने सोचा इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और अब अपन चलते हैं मीरा इस मार्ग में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रास लीला हो रही है, तो वहाँ का भी व्यू आपको दिखा देते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुका, इसके बाद मैं चला गया था मेले में, जो कि यहाँ पे मेला लगता है मंदिर के पास में ही। तो ये है आज लास्ट डे मीरा महोत्सव का, जिसमें रजत रेवाड़े निकलती है, उसके अंदर आर्य वीर दल की ओर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टंट होते हैं, जो मैंने ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा कमी लिया, क्योंकि उसमें आग वगैरह का सीन होता है, तो इसीलिए जो नॉर्मल स्टंट थे मैंने वो ही ले, लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये भी। ये जो क्लिप्स आप लोगों ने देखी, ये दिखने में सिंपल है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था, उसका रीज़न है ये देखो, यहाँ मैंने एकदम टॉप से वीडियो बनाई सारी वीडियोज़।